हाय गाइस, ये शहजाद अहमद एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 10। आज हम कोटेशंस के बारे में देखते हैं एंड साइटेशंस एलिमेंट्स जो भी हैं हमारे यूजिंग HTML, उनका क्या स्कोप है, क्या काम है, हम देखते हैं फर्दर। हमारे पास शॉर्ट कोटेशन के नाम से हमारे पास टैग है जो क्यू से आता है, ठीक है। हमारे पास ब्लैक कोट है, हमारा लॉन्ग कोटेशन के लिए यूज़ होता है। एब्रीविएशंस हैं हमारी, जो जो एब्रीविएशंस हैं हमारी, फॉर इंस्टेंस USA, या ऐसी एब्रीविएशंस हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या डेफिनेशंस कैसे लिख सकते हैं, एड्रेसेस जो हम लिखते हैं वेब पेजेस में वो कैसे हम डिफाइन करते हैं, या साइट्स जो होती हैं हमारी के कौन कहाँ रह रहा है, या बाय डायरेक्शंस ओवरराइड का एक टैग है कि हमें रिवर्स में सेंटेंस दिखाए। तो स्टार्ट करते हैं, एक पैराग्राफ बनाते हैं एंड पैराग्राफ को क्लोज करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट कोटेशन देखते हैं, ठीक है, एंड लिखते हैं हियर इज शहजाद अहमद फ्रॉम सिंध यूनिवर्सिटी। ओके, अब वापस चलते हैं जहाँ हमारा फाइल रखा हुआ है। मेक श्योर हम HTML पे काम रहे हैं। कोटेशन डॉट HTML के नाम से हमने फाइल बनाई हुई है एंड अपने फोल्डर में जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ई ड्राइव में HTML का फोल्डर बना हुआ है एंड सारी फाइल्स मैंने वहाँ रखी हुई हैं। कोटेशन हम देखते हैं, डबल क्लिक करते हैं जो हमने अभी अभी फाइल बनाई है। आप देख सकते हैं कि हेयर इज शहजाद अहमद हेयर इज लिखा हुआ है एंड फिलहाल हमने कोई भी कोटेशन नहीं दिया। शॉर्ट टर्म का जो कोटेशन है हम वो देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सिंध यूनिवर्सिटी, अगर हम सिंध यूनिवर्सिटी को क्यू देते हैं, ओके, एंड क्यू को हम क्लोज कर देते हैं, तो क्या होता है, वापस चल के रिफ्रेश करते हैं सेव करने के बाद, तो आप देख सकते हैं कि उसने कोटेशन दे दिया, दो कोटेशन मार्क दे दिए। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्यू लगाने की क्या जरूरत थी, डबल कोटेशन दे देते, डबल कोटेशन में भी काम हो रहा था, ठीक है, तो ऐसे भी काम हो रहा है लेकिन प्रॉपर वे, ठीक है, आप चीजें ऐसे मैनेज कर सकते हैं। एंड हम ब्लैक कोट देखते हैं, ठीक है, हम सेम क्यू को हटाते हैं एंड हम ब्लॉक कोट हम देते हैं एंड हम ब्लॉक कोट को हम क्लोज करते हैं। वापस चलते हैं, जाके रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं कि ब्लॉक कोट जो भी है हमारा वो लाइन टर्मिनेट हो गई हमारी। पता चल रहा है कि डिस्क्रिप्शंस क्या है एंड किसने लिखा हुआ है, या मैं कहाँ रह रहा हूँ, जैसे आप यूज करना चाहें, ठीक है। हम एब्रीविएशंस दे सकते हैं, फॉर इंस्टेंस हम एक पैराग्राफ बनाते हैं एंड लिखते हैं USA, ठीक है, एंड एब्रीविएशन का टैग हम लगाते हैं एंड एब्रीविएशन का टैग हम क्लोज करते हैं। वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं कि फिलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं शो हो रहा, ठीक है। लेकिन हम जैसे ही वापस आते हैं, हम टाइटल सेट करेंगे, टाइटल एंड लिखते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या कुछ और। वापस जाके रिफ्रेश करते हैं एंड जैसे ही कर्सर लेके जाएंगे, आप देख सकते हैं कि एब्रीविएशन शो हो रही है आपकी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से। तो आप चीज़ें ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। हमारी जो है वो डेफिनेशन है, फॉर डेफिनेशन के लिए यूज़ की जाती है। फॉर इंस्टेंस हम जो है डेफिनेशन देते हैं, या हम कॉपी पेस्ट करते हैं Ctrl D से, दिस इज अबाउट डेफिनेशंस, हम ठीक है, एंड हम क्लोज करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेफिनेशंस एंड देन डेफिनेशन क्लोज, वापस जाते हैं, आप देख सकते हैं कि आपकी जो भी डेफिनेशन है वो यहाँ आ चुकी है आपकी,
ठीक है, तो आप चीजें ऐसे मैनेज कर सकते हैं। एंड हम चलते हैं एड्रेस के बारे में, कि हम एड्रेस कैसे डिफाइन करते हैं, क्लीन करते हैं चीजों को हम। एंड हम एड्रेस लिखते हैं, फॉर इंस्टेंस हम पी बना रहे हैं, पी मीन्स पैराग्राफ। एंड हम लिख रहे हैं फॉर इंस्टेंस B46 अलीनगर, कासमाबाद, हैदराबाद। एंड वापस चलते हैं, आप एड्रेस का टैग है आपके पास, आप एड्रेस यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। हम जो है वो पैराग्राफ के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है। एड्रेस का टैग है आपके पास, एंड एड्रेस का टैग आप क्लोज करेंगे, ठीक है। वापस चलते हैं, जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका एड्रेस ऐसे शो हो रहा है बाय डिफॉल्ट। अगर आप एड्रेस नहीं लगाते, कंट्रोल डी से आप कॉपी करते हैं एक, एंड आप एड्रेस हटा देते हैं, एड्रेस का टैग जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हटा देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपका बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रिंग है वो ऐसे शो हो रहा है आपका। तो आप चीज़ें ऐसे मैनेज कर सकते हैं, या आप लाइन ब्रेक भी कर सकते हैं, जैसे आपको चीज़ें चाहिए। तो हमारा एड्रेस, साइट, आप कहाँ काम कर रहे हैं, पैराग्राफ बनाते हैं एक, एंड पैराग्राफ को हम क्लोज करते हैं, सॉरी, साइट का टैग है हमारे पास, एंड हम साइट के टैग को क्लोज करते हैं। वर्किंग विथ सिंथिनियस्टी, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं जाके, एंड अपना जो एड्रेस है वो हटा देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिंथिनियस्टी ऐसे शो हो रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग कैसे शो हो रहा था, तो आप साइट को हटा सकते हैं, तो आपका सेम स्ट्रक्चर है जैसे एक नॉर्मल पैराग्राफ होता है, ठीक है। बाय डायरेक्शंस मीन्स आप चीजों को रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। एंड वीडियो के नाम से आपके पास टैग है, एंड आप बाय डायरेक्शन, ठीक है। आप वीडियो क्लोज करेंगे, वापस चलेंगे, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वीडियो शायद क्लोज नहीं है, वर्क नहीं कर रहा। BDO एंड BDO, ओके। हम पैराग्राफ हटा के देखते हैं, पैराग्राफ नहीं जा रहा, तो आप इसको हम देखते हैं फर्दर, हमारा क्या मसला है। अगर आप, क्योंकि टैग्स हैं, हर टैग याद नहीं किया जाता, वीडियो टैग इन HTML, तो आप जर्नली जाएंगे गूगल पे, आप सर्चिंग करेंगे। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर आपको कोई चीज़ आप भूल जाते हैं तो आप हेल्प भी ले सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता। अब एग्जांपल देख सकते हैं, वीडियो, ठीक है। वीडियो डायरेक्शन ठीक, टेक्स्ट ठीक है, डायरेक्शन बता रहा है हमें। वापस चलते हैं, हम डायरेक्शन देते हैं उसको, किस डायरेक्शन में रिवर्स करना है हमें। रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपका रिवर्स डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। फर्दर आप और भी स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं इसकी, एंड आप ऐसे भी जो है वो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।